हेलो दोस्तों, टेक इंट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो नया फोटोशॉप आया है 2023 वाला, उसमें दो चार जो है नई फीचर्स है, तो उसमें से एक फीचर्स के बारे में मैं आज बताता हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है और बेस्ट है। पहले बीटा वर्जन में था और अभी जो है ये हो चुका है, मतलब अभी भी बीटा में ही है, लेकिन अभी दे दिया है कि हम सॉफ्टवेयर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और समझ लीजिए एक जादू ही है। जो लोग फोटोशॉप पुराने वर्जन यूज कर रहे होंगे, उनको अगर ये इस पे लेटेस्ट पे अपडेट होना है, तो उसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे अकाउंट से अपडेट होंगे 2023 पे। उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हैं अपना 2023 फोटोशॉप का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका फीचर्स जो कि 2023 में आया हुआ है, यानी नए वाले फोटोशॉप में, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो उसका फिल्टर का नाम है न्यूरल फिल्टर। ठीक है, ये आपका ब्लैक एंड वाइट या कोई भी आपका ऐसा फोटो ले लो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सीधा क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूरल फिल्टर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से जितने भी पार्ट्स हैं सब डाउनलोड करने पड़ते हैं अलग से, यानी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया उसके बाद ये अलग से सब डाउनलोड होते हैं। देखिए आइकॉन बना हुआ है, यानी अलग अलग फीचर्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। कोई 800 MB का है, कोई 300 MB का है, कोई 50 MB का है, ऐसा करके है। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है और ये जो है सीधा ऑन कर देना है। ठीक है, आप फोटो का एनहांसमेंट देखिए, ये डिवाइस में चल रहा है, यानी ये आपका जो सिस्टम है जितना फास्ट होगा उतना जल्दी करेगा और नहीं तो टाइम लेगा। ठीक है, और सारी चीज़ें आप जो है एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। कुछ कुछ फ़ोटो में आपको यहाँ पे एरर दिखेगा, उसका मतलब है कि उसका जो डाटा है, यानी उसका फेस हो, वो अच्छे से सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पा रहा। अभी भी बीटा वर्जन में हो सकता है कुछ बग हो, तो वो फिक्स हो जाएगा जल्द ही। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये आइकॉन है जो कि आप ओरिजिनल देख सकते हैं, ओरिजिनल कैसा है और अभी कैसा हुआ। ठीक है, ये जादू ही है समझ लीजिए। देखिए, और जितने कम कट मार्क्स वगैरह जो पुराने फोटो पे कट मार्क और ऐसा कुछ स्क्रैचेस होते हैं, वो ये अच्छे से काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैच है और फेस वगैरह कटा हुआ है, तो एक मेरी वीडियो है, आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पहले फेस रिपेयर करा लीजिए और वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर करा दीजिए। वो AI जनरेटेड टूल है जिससे कि फ़ोटो आपको फेस भी जनरेट करता है, तो वो करा के फिर इसमें ट्राई कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा डायरेक्टली। ये जो है अगर स्क्रैच वगैरह है और हल्का फुल्का ख़राब है, तो उसको इन्हांस करने के लिए बहुत बेस्ट ये इनका टूल है, इनका फिल्टर है। तो यहाँ से सिंपली ऑन कर दीजिए और यहाँ पे स्क्रैच रिमूवल और अगर बढ़ाएंगे तो और क्लियर होएगा। चलिए, जितना बार आप इसको घुमाएंगे उतना जो है टाइम लेता रहेगा। स्क्रैच रिडक्शन जितनी बार भी आप बढ़ाते हो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप सोच के इसको एडजस्ट करिए। वैसे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसके बाद थोड़ा रह जाती है, तो वो पैचअप कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन जो आपको लिंक में मैंने आपको बताया, जो लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। उसमें देखिए यहाँ पे जो नॉइस था या स्क्रैच था, वो सारी चीज़ें भी रिमूव हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं आपको देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली जूम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं कि मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो एनहांसमेंट इसको आप बढ़ा सकते हैं, फेस को एनहांस करना है वो कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं कैसा काम किया है। कुछ चीज़ें आपको बाद में जो है हील टूल और पैच टूल से एडजस्ट करनी पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये रिपेयर कर देता है अच्छे से। तो ये करने के बाद आप इसको सिंपली जो है एक्सपोर्ट भी कर, मतलब आपको ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से करंट लेयर अगर करते हैं तो उसी लेयर पे अप्लाई हो जाएगा, न्यू लेयर करेंगे तो नया लेयर बन के अप्लाई होगा, मतलब एक लेयर और कॉपी हो गएगा। और मास्क में चाहिए तो मास्क में ले सकते हैं। स्मार्ट फिल्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, स्मार्ट फिल्टर करके लीजिए और ठीक है, और ताकि आप बाद में एडिट करना चाहें तो कर सकें। तो स्मार्ट फिल्टर करके ओके करेंगे तो आपको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पे स्मार्ट, ताकि आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो इस पर सिंपली आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं।
ठीक है, फिर आपके सारे ऑप्शन वैसे खुल जाएंगे। हाँ, लेकिन जितनी बार आप इसको खोलेंगे बंद करेंगे उतनी बार ये फिर से रीएडजस्ट होता है कि प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो अच्छा यही है कि आप जितना भी करना है पहले ही कर लीजिए, बार बार का मत रखिए, नहीं तो क्या होगा कि बार बार टाइम आपको लगता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये करने के बाद आपको एक और जादू समझ लीजिए, देख लीजिए, कलराइज, इसको सिंपली ऑन कर दीजिए। इसको भी अलग से डाउनलोड, मतलब इसका कुछ MB है जो डाउनलोड होता है अलग से, तो उसका आप जादू देखिए। तो आप देख सकते हैं जादू देखिए, एकदम मस्त कलर्ड इमेज आपको, इसका डिफॉल्ट है। आप इसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसके अलग अलग प्रोफाइल हैं, रेट्रो हाई कंट्रास्ट और बहुत सारे, जितना भी आप ट्राई करना चाहे ट्राई कर सकते हैं। आपको किस टाइप का अच्छा लग रहा है वो ले लीजिए, या फिर आप एक्सपर्ट हैं तो भाई यहाँ से सिर्फ उतना ही करके ले लीजिए, बाकी सारे कंट्रोल आप उधर करिए, ब्राइटनेस कंट्रास्ट जितने भी आपके कर्व्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, और एक सुपर जूम का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए सुपर जूम ऑन किया हमने, अब ये फोटो का कितना गुना आपको बड़ा करना है वो चीज़, ये जूम नहीं, इसका एक्चुअल साइज स्केल होगा। आप नीचे देख सकते हैं ये कितने पिक्सल का है, और अब ये दबाने के बाद कितने पिक्सल का हो सकता है, आप 3 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 4 गुना करता हूँ या 2 गुना ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, और बस ये कर दी, आप देखिए जो ही आपने छोड़ा वो अभी वो करना प्रोसेसिंग चालू हो गई इसकी, तो हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसकी साइज़ बड़ी हो चुकी है, यानी बहुत ही एनहांस हो चुका है ये, और बड़ा इमेज भी हो चुका है, यानी काम करने की बहुत कम ज़रूरत है, बाकी सब कुछ इसने रेडी कर दिया। यहाँ भी पैच आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करने में जम रहा है तो आप डायरेक्टली जो है AI से भी करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। और मुझे तो बहुत मस्त लगा ये इसका फीचर, स्किन स्मूथिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑन करते हैं तो आपको स्किन स्मूथ करके दे देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियोज़ की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।